चला जाए तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, इस पर हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, सीधे फोकस करें अपने पॉइंट पे कि हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो नंबर सिस्टम क्या है। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, काउंट करने मतलब गिनने के लिए, हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। ये कोई 0 to 9 ये क्या है, सिंबल है। क्या अगर हम 0 to 9 इनको यूज करते हैं काउंट करने के लिए, हमने क्या कहा, ये सिंबल है। क्यों भैया, 0 to 9 किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, इस तरह के भी तो चीजों का यूज करते हो लैटिन भाषा में, बोलिए। तो ये क्या है, हमारे सिंबल है। ठीक, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, 0 से लेकर कहां तक 9 तक, इतने मतलब टोटल कितने सिंबल, 10 सिंबल का यूज करते हो, यही करते हो ना। 5 लाख लिखना हो, 5 करोड़, 50 लाख, 500, कुछ भी लिखना हो, क्या यूज करोगे, केवल 0 से 9 तक का। तो ये पहला हुआ हमारा डेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, या सीधे लिखें डेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें हम 0 से लेकर कहां तक 9 तक का यूज करते हैं। इसका मतलब जो जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वो किसमें किए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा ऑक्टल होता है, ऑक्टल के अलावा बाइनरी, बाइनरी के अलावा हेक्सा। फिलहाल हम ये हेक्सा मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक, आपके कभी भी क्लास की शुरुआत होगी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन से, कहेगा इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाएं। नहीं, हम दूसरे तरीके से पहले इस सिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे, पहले आप समझिए क्या होते हैं। तो चलिए पहले डेसिमल सिस्टम, याद है ये क्या लिखा हुआ है, अरे हिंदी में बोलो भाई, 55। अच्छा बचपन में इसको, 55 को बचपन में कैसे पढ़ते थे, सीधे 55 तो नहीं पढ़ते थे, अरे पहली क्लास में नर्सरी में या जैसे पढ़े हो कैसे पढ़ते थे, क्या चीज, 5 पर 5 55। अच्छा हम यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, हम लोग इसको कैसे पढ़ते थे, 5 दहाई 5 इकाई, 5 दहाई 5 इकाई, 50 5 55, ऐसे पढ़ते थे हम लोग, समझ गए। इसका मतलब गौर देखो, इस 5 की वैल्यू तो 5 है, लेकिन इसको आप क्या पढ़ रहे हो, 50, तब ना कह रहे हो 50 5 55। अगर 1 5 और लगा दे यहां पे तो क्या परिवर्तन महसूस करते हो, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, तीनों 5 ही हैं, लेकिन ये 555 कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका मतलब ये 500, ये 50 और ये 5, तब ना 555 हुआ। बोलिए, इसका मतलब इस 5 की वैल्यू 5 है, लेकिन इस 5 की वैल्यू 50 है, इसका मतलब इसका 10 टाइम्स 10 गुना, और इस 5 की वैल्यू ये 50 है, तो ये कितना, फिर 10 टाइम्स। इसका मतलब बचपन में याद किए होगे तुम लोग हिंदी मीडियम वाले, इकाई दहाई सैकड़ा, याद आ रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं इसको, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं उसको, क्लियर। हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा चलता था। इसका मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू 10 टाइम्स, उससे ये वैल्यू 10 टाइम्स। क्यों 10 टाइम्स हो रहा है, कुल संख्याएं कितनी हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं ना, गौर करो, 0 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं हुई, 10 हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं 9 तक, 0 से 9 तक, तो कुल संख्याएं 10। तो कहेंगे इस सिस्टम का बेस, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बेस, बेस क्या है, 10 है, या रेडिक्स बोलेंगे, क्या चीज, रेडिक्स। तो इस सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 है, क्लियर। इसका मतलब ये कैसे चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब हर वैल्यू जो होगी पिछली वैल्यू की 10 टाइम्स हो जाएगी, क्लियर। इसीलिए कहेंगे इसको क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम।
बढ़े आगे, चलो एक तो जोड़ लो बताओ तो। जोड़ो एट कहाँ, अरे एट नाइन सब है हिंदी, प्योर हिंदी मीडियम का झुट्टो में एट नाइन करता, नौ नौ जोड़ो अठारह, ऐसा ना हुआ रे। एक तो हमारे यहाँ की पढ़ाई का सिस्टम, बचपन से हिंदी में पढ़ते आए सारी चीजों को, ठीक है टेक्निकल ट्रांसफार्मर हम ट्रांसफार्मर समझते हैं, ट्रेन हम ट्रेन समझते हैं, ट्रेन ही कहते आए हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, किसी चीज को समझाना होता है, हम बेहतर समझते हैं हिंदी में। तो सिस्टम क्या बना दिया, सब चीज को अंग्रेजी में। एक तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, उसके बाद उसको समझना है तो दिक्कत तो होगी। तो अगर कोई चीज अपनी भाषा में समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझोगे और ज्यादा लंबा समझोगे, फिर तो लैंग्वेज बोला ही जाएगा, समझ गए, लेकिन सेंस पहले हिंदी में बैठाना है। चलिए क्या लिखे हैं, हाँ बोलो कैसे पढ़ो, अच्छा हाँ एक आदमी बोलो तो पूरी बात, हाँ नौ नौ अठारह का आठ, हाँ बचा एक की हासिल है, बचपन में पढ़ते थे नौ नौ अठारह के आठ और हासिल एक, यही पढ़ते थे। ये नौ नौ अठारह के आठ हासिल एक, हासिल एक का क्या मतलब है, देखो इस चीज को ध्यान से, ये कौन सा सिस्टम है, दस डेसिमल कितनी संख्याओं का यूज होता है, जीरो से नौ, इसका मतलब यहां पे जोड़ते या घटाते समय कभी भी नौ से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, और नौ में नौ जोड़े तो कितना आ गया अठारह, नौ से बड़ी हो गई, लिखेंगे क्या, नहीं, केवल कितने सिंबल, जीरो से लेकर नौ तक केवल दस सिंबलों का यूज करके लिखना है, और नौ नौ अठारह बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ तो करना होगा। बोलिए बात समझ रहे मेरी, इसी के बेस पे हम इनको समझा देंगे, ठीक है, इसलिए ये आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हो, वो क्या कहते हैं खून में बैठ गया है, तो ये अगर पकड़ेंगे तो ये हम निकाल लेंगे, इसलिए यहां पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइए तो नौ नौ अट्ठारह हुआ एक्चुअली, लेकिन कभी तुमने यहां अट्ठारह आज तक लिखा नहीं, लिखा नीतीश तुम लिखे क्या कभी, नहीं लिखे, क्या लिखे भाई, तो देखो जब अट्ठारह आया तो अट्ठारह को तुम लिखोगे क्या, हासिल किस में जाता है, बगल वाला कितना गुना है, दस गुना, इसलिए ये लिखाएगा कभी भी दस प्लस के टर्म में, तो दस प्लस आठ, तो ये आठ लिख देंगे, ये दस चला जाएगा उधर, लेकिन वह दस जाके बन जाएगा एक, याद है तुमको, घटाने में कहते होगे इधर से एक उधार मांगे, इधर आके बन गया दस, इसका मतलब ये पांच नहीं है बल्कि पचास है, इसका मतलब इधर से दस जाएगा तो एक बन जाएगा, मतलब छह हो जाएगा, क्लियर, तो दस आठ अठारह आठ, दस उधर गया बन गया एक, आठ पांच तेरह, तेरह एक चौदह, चौदह को क्या लिखेंगे, चार लिख दें, दस गया हासिल, एक बन गया, एक बन गया, बोलो नौ एक दस सात सत्रह, सत्रह को क्या लिखोगे, दस प्लस सात, क्या लिख दें यहां सात लिख दें, और दस गया हासिल और उधर जाके बन गया एक, बढ़े आगे हम। अब इसके बेस पे आप जवाब को देना है आपको, ठीक है, एकदम कभी भी ऑनलाइन में क्यों दिक्कत होती है, खोले मोबाइल दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए 10 मिनट में उब जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, और बाद कभी आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हुए करें। ये डेसिमल था तो कुल कितने सिंबल यूज किए गए थे, कितनी संख्याएं यूज की गई, दस, जो पहले से जानते हैं वो जवाब नहीं देंगे, जो नहीं जानते हैं पहली बार सुन रहे हैं वो जवाब देंगे, इससे आइडिया लगेगा कि लेबल कहां कितना समझ रहा है बाहर का भी लड़का। डेसिमल है, डेसिमल पकड़ो थोड़ा सा, तो कुल कितनी संख्याएं यूज किए, दस, सोचो अगर ऑक्टेल होगा तो कुल कितनी संख्याएं यूज होंगी, आठ ना, ऑक्टेल आठ, बोलिए पकड़ रहे हैं आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, तो इसका मतलब बाइनरी में कुल कितनी संख्याएं यूज होंगी, दो, जैसे डेसिमल में दस, तो ऑक्टेल में आठ, बाइनरी में दो, हेक्जा नहीं है ये, हमने पूरा लिखा नहीं एक्चुअली, हेक्जा डेसिमल है, हेक्जा डेसिमल है, तो बताओ हेक्जा डेसिमल में कितना, हेक्जा तो सौ हो गया, हेक्जा मतलब छह,
पढ़ाए भी थे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्जा, तो हेक्जा मतलब छह और डेसिमल मतलब दस, तो कितना सोलह। क्लियर? इसका मतलब चलो पहला ऑब्जेक्टिव, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस रेडिक्स कितना होता है? दस। तो अगला जवाब आपको देना है, ऑक्टल का बेस बाइनरी का बेस हेक्साडेसिमल का बेस, अभी हमने ये पढ़ाया नहीं, जवाब आप दे रहे हो। क्लियर? चलिए आइए, अब अगर इसमें कुल 10 संख्याएं यूज हो रही हैं तो कहां तक यूज की हो? 0 से लेकर 9 तक। तो बताओ बेटा यहां कहां तक होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना? 8। टोटल 8 हुआ। बढ़े आगे, एक काम करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा रुको, यहां चलता था इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर हम यहां कोई वैल्यू जोड़ने चलें, फोर का है कोनो ले लो यार, ये थोड़ा जरूरी है कि कुछ भी ले लो, कोई वैल्यू जोड़े, तो यहां हम लोग लिखते थे इकाई दहाई सैकड़ा। अपना दिमाग लगा के सोचो, इकाई अठाई सला, यहां क्या होगा? इकाई आठ है ना, तो प्लस वैल्यू कितनी? आठ होगी, वैसा नहीं चलेगा, इकाई अठाई चौसठाई चलेगा। अब ये इस तरह से किताबों में लिखा नहीं होता है, लड़के को बताया जाता है उसको लगता है कोई हम स्पेशल चीज पढ़ रहे हैं, अरे कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ रहे हो भाई, उससे टफ चीज तो बचपन में ही पढ़ डाले हो, वह दिमाग में बैठ गई, तो इसमें क्या है? चलें तो क्या चलेगा? इकाई अठाई चौसठाई। सीधे जोड़ पे चलते हैं, ठीक है, पांच और सात पक्का? अच्छा हम यहां 12 लिखना है, उसके बाद का जवाब आप देंगे, 12 हमने लिख दिया है। रुकिए रुकिए, डेसिमल था तो केवल 9 तक लिख सकते थे, ऑक्टेल है तो केवल 7 तक लिखेंगे, यहां तो आ गया 12, नहीं लिख सकते। अगर डेसिमल को 10 प्लस के टर्म में लिख रहे हो तो ऑक्टेल को कैसा लिखोगे? 8 प्लस। बोलिए आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। चलिए ऑक्टेल को लिखिए 8 प्लस के टर्म में, तो क्या लिखेंगे? 8 तो यहां क्या लिखाएगा? हासिल कौन जाएगा? 8। हासिल कौन जाएगा? 8। वह 8 यहां जाके क्या बन जाएगा? 1। पीछे से कंपेयर करो, अगर कोई दिक्कत तो वापस आएंगे हम, कोई दिक्कत किसी को? देखिए अपनी जो ऑनलाइन क्लास है, चाहे वो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, ये क्लास में रिकॉर्ड की जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप इतने लोग समझ रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहां भी तो कंफ्यूज होगा, तो अगर आप ही एक बार क्लियर कर लोगे तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जहां फंसना ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए बोलना है। तो क्या लिख दें? 4 हासिल गया 8। 8 क्या बन जाएगा जाके? 1। 6 5 11। 11 1 12। 12 को फिर कितना? 8 4 12 4 हासिल गया 8, वहां जाके बन गया 1। 6 5 11 1 12 संजोग ऐसा आ गया, 4 4 4 आ रहा है केवल, तो 12 8 4 12 4 हासिल गया था 8। 8 क्या बन गया? 1। ये हो गया आपका ऑक्टेल का एडिशन, ऑक्टेल का जोड़, हम कन्वर्जन अभी नहीं बता रहे हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा आप सिस्टम को समझोगे तब कन्वर्जन लेंगे, ठीक है? अब लिखाने को डिफरेंट नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक का यूज होता है, टोटल संख्याएं 10 यूज करते हैं, इसका बेस इतना होता है, अरे पहले दिमाग में बैठा तो लो, छापना तो बाद की बात है ना, याद सी चीज हो जाए। आइए समझ में आया? वैधानिक चेतावनी, वैधानिक चेतावनी समझते हो? देखते हो कि सिगरेट वगैरह पे लिखा रहता है, है? या सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी होती है, कोई जनहित में जारी होती है, तो जनहित में ये सूचना जारी है कि ऑक्टेल का जोड़ अपने छोटे भाई बहनों के सामने नहीं करेंगे, नहीं तो कहेगा 7 5 4, जाके सीधे बोलेगा घर में कि गया गया, बोले कि जोड़ भी नहीं आता है। चले आइए बढ़े आगे हम लोग, चलो बाइनरी ही नहीं देखेंगे पहले, बाइनरी तो खूब रटवाया जाता है, पहले हम देखेंगे हेक्साडेसिमल। टाइम कितना भी लग रहा हो लगने दें, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए चीज। डेसिमल में कुल कितनी संख्या है? 10। ऑक्टल में 8। बाइनरी में 2। हेक्साडेसिमल में 16। आइए देखते हैं तो कैसे होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टेन ए काहे का टेन। अच्छा एक चीज कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा बात कर लें, बाइनरी, बाइनरी का जोड़ बाद में बताएंगे। बाइनरी में कुल कितनी संख्या है? दो। हम लोग काउंट कहां से शुरू किए? जीरो से। इसका मतलब कौन कौन होगा? जीरो और वन। इसका मतलब कभी वन जीरो अगर लिखा है तो ये दस है कि वन जीरो है, अलग अलग कंफ्यूजन होगा, इसलिए हेक्साडेसिमल में दस को हम लोग ए लिखते हैं। क्लियर? लिखा रहेगा ए, लिखा रहेगा ए, लेकिन मन ही मन समझोगे कि दस लिखल है। ए लिखा रहेगा तो क्या समझोगे? दस। अगर कहीं आ गया ए में ए जोड़ो तो ए में ए जुड़ता है, कह देना टू ए, अरे ए मने दस, और फिर अगला ए मने दस, तो दस दस बीस। समझ गए? लिखा रहेगा ए लेकिन समझना है उसको दस, तो इसलिए हमने लिखा दस को क्या? ए। फिर उसके बाद अगला ग्यारह, ग्यारह क्या होगा? बी। बारह, ये एकदम ध्यान में रहना चाहिए, सी। तेरह, तेरह के बाद डी। चौदह, ई। पंद्रह, सोलह को पूरा रे, जीरो से पंद्रह तो कहा गया सोलह, इतना यूज किया जाता है। ठीक। अच्छा ये कैसे चलेगा? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती होगी? इसका तुम बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बोल दिए तुम। इसका क्या बोले अभी बड़ा सा लड़का? इकाई, अठाई, चौसठाई हुआ। इसका क्या होगा? इकाई, दहाई कैसे रे? दुआई, चौराई, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, ऐसे चलेगा। ऐसा कैसे चलेगा? इकाई सोलाई, फिर सोलह का सोलह में गुणा करो, ऐसे चलेगा। लेकिन कुछ नहीं, हमने सीधे जोड़ करना है, सीधे जोड़ करना। आइए, नाइन ए बी सी में ए सी टू एट जोड़ दो, हुआ हेक्सा का जोड़ हुआ। अब घंटों हेक्सा का जोड़ चलता है, एक जोड़ जोड़ो यार, उसके बाद ही तो बचपन से खेलते आए हो, खेलो सीधे। चलिए आइए देखें, आठ में सी जोड़िए, आठ आठ में सी जोड़ दें, क्या मतलब आठ प्लस सी लिख दें, आठ सी लिख दें? अरे सी केवल लिखा है अननेसेसरी का, सी का मतलब बारह, बारह में आठ जोड़े कितना हुआ? बीस। नहीं नहीं इतना फास्ट नहीं यार, डेसिमल को दस प्लस में लिखे हो, ऑक्टल को आठ प्लस में लिखे हो, बाइनरी को दो प्लस में लिखेंगे, हेक्सा को सोलह प्लस में लिखेंगे। क्लियर? तो अगर बीस आ रहा तो क्या होगा? सोलह प्लस चार, क्या लिख दें? चार। हासिल क्या जाएगा? सोलह। वह सोलह इधर आके क्या बन जाएगा? एक। क्लियर है? आइए, एक मतलब बी लिखा हुआ है, बी मतलब बोलो जल्दी से, ग्यारह, ग्यारह एगो हासिल आया था, बारह, बारह दू चौदह, चौदह को, अरे अरे गधों, नौ से ज्यादा होगा दस होगा तब ना, दस को दस प्लस जीरो, ग्यारह को दस प्लस दस, या दस से ज्यादा होता है तब ना हासिल लिखोगे। तो इसमें क्या होगा? आठ या आठ से ज्यादा होगा, इसमें दो या दो से ज्यादा, इसमें सोलह या सोलह से ज्यादा होगा, आ रहा है क्या? चौदह। अरे चौदह को तो हम लिख सकते हैं, कहां तक? सोलह तक लिख सकते हैं ना, तो क्या आया हमारा? चौदह। चौदह का मतलब ई, तो यहां क्या लिखाएगा? हो गया, कोई हासिल जाएगा नहीं। आइए ए और सी, ए का मतलब दस, सी का मतलब बारह, बारह दस बाईस, बाईस को क्या लिखोगे? क्या लिख दें यहां? वेरी गुड। क्या जाएगा हासिल? सोलह। क्या बन जाएगा? एक। एक बन गया तो नौ एक दस, और ए तो दस है, दस दस बीस, बीस को क्या लिखोगे? पहले लिखा है सोलह प्लस चार, क्या लिख दें? चार। एक हासिल, सोलह एक हो गया हेक्सा का जोड़। कोई स्पेशल चीज है? पुरानी चीज पकड़ के चलोगे तब, बेस को पकड़ के चलोगे तब, हवा में उड़ोगे, कहीं से काटा छांटा लिख दोगे तो दिक्कत होगी होगी, तब कहोगे पढ़ रहे हैं हम। अब इसको हमको नहीं लगता कभी जोड़ने की जरूरत है पढ़ने की, ये केवल हम लोग सीधे आगे की चीजें करेंगे, ये अपने आप मुझवानी याद होता जाएगा। कहोगे सर दशमलव वाला नहीं लिए, होता है बहुत लोग कहता है सर अगर मान लीजिए इसमें दशमलव होता, इसमें दशमलव नहीं क्यों, क्या क्यों? वैसे इसमें भी दशमलव होगा, समझ गए? वो हम लोग क्या करेंगे, आपसे करवाएंगे, होमवर्क में देके करवाएंगे, ठीक है ना? आप सीधे करोगे। बढ़े आगे, आइए बाइनरी, बाइनरी का जोड़ देखो। आजकल सड़क सड़क पे, मोहल्ले मोहल्ले में कंप्यूटर की दुकान खुल गई है, कोई भी
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने बैठ जाता है, और बैठता कहाँ तक है, नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट तक। उसके बाद अपनी दुकान को समेट लेता है टाइम बिता के नोट्स देके, समझ गए, और कचड़ा मचा दिया गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। नहीं तो आप देखेंगे YouTube पे, जैसे आपके सिलेबस में है मल्टीप्लेक्सर, आगे जाके सिलेबस में है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का देखेंगे मेरा एक छोटा मल्टीप्लेक्सर कोई पढ़ाएगा, पुराने नोट्स में देखोगे हम पढ़ाएंगे तो मल्टीप्लेक्सर क्या कहेंगे, इतना इनपुट इतना आउटपुट, ये उसका ट्रुथ टेबल है, दो लाइन की कहानी है। लेकिन देखिए जाके YouTube पे मेरे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, अभी का अभी कंपटीशन लेवल में अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, उसको आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को फोकस। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिक चीज़ ये है कि अगर नहीं समझ में आया तो बढ़ेंगे ही नहीं आगे, ठीक है। गाय हाँ भैंस हाँ नहीं करेंगे, नहीं तो कौवा के बजाय हाथी उड़ेगा उसमें। आइए बाइनरी में देखें कितनी संख्याएं, क्या हुआ रे, ए नहीं नहीं उसकी भौजी बीमार है तो इतना उदास का ये है, एकदम उदास उदास चेहरा लेके बैठा है। अरे भाई 6500 में ये लोग पढ़े हैं और आप 2500 में पढ़ रहे हैं, खुश होइए ना कम से कम, हैं थोड़ा सा तो खुश होइए, हैं। ये 22 साल के कैरियर के बाद ये पहली बार, इतना तो हमारे 2001 की फीस नहीं थी, 2002 की मेरी फीस, अगर पुराने स्टूडेंट जानेंगे मिलेंगे कभी मुलाकात होगी, ठीक है। फर्स्ट बैच जो है आया भी था अभी एक लड़का निशांत सुमन, वो जो मोदी जी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जापान भी गया था ट्रेनिंग के लिए, आया था भी एक महीने पहले मिलने, जो पहला बैच था उसकी भी एक सब्जेक्ट की फीस 2000 थी। आप तो एकदम डाउन, कहाँ हमको पाताल लोक में लेके चले गए हो। तो ये जरूरी नहीं कि पाताल लोक में हम रहें, ये कोरोना का जो डिसकंटिन्यू था, ठीक है, आपकी पढ़ने की आदत चली गई थी, क्वेश्चन बैंक मतलब मटेरियल नोट से पढ़ना, बस उसी आदत को सुधार रहे हैं थोड़ा। एक बार लग गया मेरा चस्का तो ये दारू से भी खराब होता है, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही सावधान कर रहे हैं कि मेरा चस्का मत लगाना, लग गया जिसको फिर कहीं नहीं टिकेगा, वो मजबूरी है, तो फिर तो जितना रखेंगे उतना दोगे, तो बच के रहना। आइए बाइनरी, हाँ तो हम बता रहे थे बाइनरी में क्या करते हैं लोग, एक टेबल टाइप का लिखवा देते हैं, क्या रट लो, जीरो जीरो को जोड़ोगे तो सम जीरो होगा, कैरी जीरो होगा, जीरो वन को जोड़ोगे तो सम इतना होगा, कैरी इतना होगा। कभी तो ऐसा पढ़े नहीं, तो सिंपल फंडा सोचो, यहां पे जितने भी जोड़ किए हो, एडिशन किए हो, जोड़े हो, किस तरीके से जोड़े हो, जैसा जोड़ना आता था, तो इसमें कोई जादू होगा, इसमें भी तो वही होगा। हम तुमसे पूछें कि जीरो में जीरो जोड़ो, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो 500,000 नहीं ना हो जाएगा, है? तो पूछे कितना रुपया है तुम्हारे पास, तो बोले कुछ हो नहीं है सर जीरो है, तुमसे पूछे कितना है, बोले जीरो, बोले 50 रुपया का बकाया था हमारे, कहकर हमको तुम अपना जीरो जोड़ के उसको दे दो तो मेरा उधार चुकता हो जाएगा, ऐसे करके तो ढेरिक ले ले। अरे जीरो में जोड़ेंगे जीरो तो जीरो ही होगा। अच्छा देखो, जीरो में अगर जीरो जोड़ा तुमने तो कितना आया, क्या कोई हासिल गई, नहीं। तो इसी को गधा सब रटवाएगा, एक टेबल बना के ऐसे लिखेगा, बता दे रहे हैं पहले ए बी सी एस और सी, समझ रहे हो, यहां लिखेगा एक जीरो और एक जीरो, मतलब एक वैल्यू जीरो है, दूसरी वैल्यू भी जीरो है, तो इसका सम हो जाएगा जीरो, कैरी जीरो। अरे यार इस टेबल को याद कर रहे हो बेकूफ टाइप, सीधे जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना गया, जीरो, मतलब सम योग जीरो, कोई हासिल जाएगा नहीं, तो कैरी जीरो कहेगा, इस टेबल को रट लेना है, ये याद रहना चाहिए, तब बाइनरी समझ में आएगा। काहे का भैया, कोई भी नहीं याद करने की जरूरत है, चला जाए। आइए जीरो में वन जोड़ेंगे, जीरो में वन जोड़ेंगे तो नो डाउट वन होगा, तो यहां भी बताओ जीरो में वन जोड़ेंगे तो वन ही होगा, क्या कोई हासिल जाएगा, खत्म, जीरो, कोई हासिल नहीं जाएगा, मतलब जीरो। वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन ही होगा। अब हम कहां पढ़ा रहे हैं, बोल तो तुम रहे हो भाई, कह रहे हो पढ़ने आए हैं, क्या कोई हासिल जाएगा, हासिल जीरो,
इसी टेबल को कहता है पहले हम बाइनरी तभी कर सकते हैं जब हम इस टेबल को याद कर ले। हम क्यों याद कर ले, हमको तो ऑलरेडी याद है, है? कभी घटे पांच में जीरो जोड़े, पांच नब्बे में जीरो जोड़े, नब्बे इक्यानबे में जीरो, रटने लगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? आता नहीं है बेस्ट, तो दिक्कत करते लोग। आइए अब एक बच गया, बोलो क्या बचा? एक में एक, बताओ एक में एक जोड़ेंगे क्या होगा? दो होगा। अरे भाई जब यहाँ हम नौ में नौ जोड़ रहे हैं, अठारह हो रहा है, यहाँ इतने में इतना जोड़ रहे हैं, इतना हो रहा, तो एक में एक जोड़ेंगे तो जीरो किस हिसाब से होगा? पुरानी चीजों को दिमाग से हटाइए, एक में एक जोड़ेंगे तो दो ही होगा, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, बाइनरी हो, हेक्सा हो, कहीं भी एक में एक जोड़ेंगे तो दो ही होगा। क्लियर? आइए दो होगा, लेकिन रुक जाइए हम यहां लिख ले रहे हैं अपना कि भैया दो होगा, ठीक। लेकिन चलिए डेसिमल में अगर जोड़ने के बाद 10 या 10 से ज्यादा होता था तो हासिल वाला जुगाड़ होता था। इसमें 8 या 8 से ज्यादा होता था तब 8 प्लस के टर्म में लिखते थे। इसमें 10 या 10 से ज्यादा होता था तो 10 प्लस के टर्म में लिखते थे। इसमें 16 या 16 से ज्यादा होगा तो 16 प्लस के टर्म में लिखाएगा। तो बताओ इसमें क्या होगा? एक और एक से ज्यादा। फिर से सुनो, जवाब दो, हम नहीं जवाब देंगे, चाहे एक घंटा बैठो ना। इसमें कौन सा सिस्टम है? डेसिमल। जीरो से नौ तक कुल कितनी संख्याएं? दो। यहां ध्यान दे देना, कुल कितनी संख्याएं? दो हैं। कुल संख्याएं 10 थी तो प्लेस वैल्यू 10 थी, इकाई दहाई 10, 10 गुना, हासिल 10 आता था, उधार 10 जाता था, आता था। और संग जोड़ जब 10 या 10 से ज्यादा होता था तो 10 प्लस में लिखते थे। यहां पे ऑक्टल जीरो से सात तक कुल संख्याएं 8, तो जब हमारा जोड़ 8 या 8 से ज्यादा होता था तो 8 प्लस के टर्म में। अब बताओ यहां बाइनरी दो दो, तो जोड़ जब 2 या 2 से ज्यादा होगा तो 2 प्लस के टर्म में लिखेंगे। यहां हमारा जोड़ 1 1 कितना हो गया? 2 2 हो चुका है ना, तो 2 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 प्लस 0 लिखेंगे, तो यहां क्या लिखा जाएगा? 0। बोलो भाई, ये 2 हासिल जाएगा उस जगह जाके क्या बन जाएगा? 1। जैसे हुआ इकाई दहाई था, ये क्या होगा? इकाई इकाई दुआई चौराई अठाई सोलाई, ऐसे 2 टाइम्स होता जाएगा, 2 टाइम्स होता जाएगा, नहीं 2 टाइम्स होता जाएगा। बोलिए, तो इसका मतलब 1 और 1 जोड़ेंगे, कहां गया? ये 0 आया और हासिल कितना गया? 1। उसी को रटाता है कि 1 1 0 कैरी 1। कैसे रटता है लोग? 1 1 0 कैरी 1, या कहेगा 1 1 का सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। क्या था ये? डिफरेंट नंबर सिस्टम के एडिशन थे। तो उम्मीद है समझे क्या क्या क्वेश्चन होंगे हमारे। डेसिमल में कुल कितनी संख्याओं का यूज किया जाता है? 10। क्या यार 10 कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। वही तो बचपन से पढ़ते आए, उसको मत भूलो, ठीक है। उसमें कैसे तो पूछेगा, उसमें बेस क्या होता है? बेस कहो या रेडिक्स कहो, तो बेस या रेडिक्स कितना? 10। ऑक्टल में 8, कुल संख्याएं 8, 0 से 7 तक, बेस या रेडिक्स 8। बाइनरी में 0 और 1, कुल संख्याएं 2, बेस 2। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक, कुल संख्याएं 16। तो क्या हुआ? हेक्साडेसिमल। अच्छा लिखते कैसे हम? अगर देखो यहां पे हम एक संख्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ 7 5 4, ये डेसिमल है कि ऑक्टल है कि हेक्सा है? डेसिमल में भी हम 0 से 7 तक का यूज कर सकते हैं, ऑक्टल में भी 0 से 7 तक का यूज कर सकते हैं, हेक्सा में भी 0 से 7 तक का कर सकते हैं। अब हम लिख दिए 754, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, अगर ये डेसिमल में लिखा हुआ है, डेसिमल में दिया, तो ब्रैकेट बना के इसके यहां 10 लिख देंगे, मतलब इस नंबर का बेस 10 है, ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर? अगर यही ऑक्टल में रहता तो हम क्या करते, यहां लिख के 8 लिख देते। क्लियर? हेक्सा में रहता तो क्या करते, जोलो बोलो, 16 लिख देते, या 16 को किससे दिखाते हैं? क्या यह प्लस 1 से? कभी कभी H लिख देता है, क्या लिख देता है? H, हेक्सा। क्लियर?
ये क्या रहा हमारा? एडिशन रहा। बोलिए, नो डाउट सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही हो सकता है। लेते हैं, बंद कर दो, थोड़ा देर के बाद लेते हैं, ठीक है ना, दो मिनट के बाद। उसका रिसीवर ऑन था कि नहीं हमको डाउट लग रहा था, लेकिन हम रोके नहीं क्लास।